जैसा कि हम आप लोगों को इससे पहले के टॉपिक में बता चुके थे, ठीक, यानी रे ऑफ लाइट। ठीक, रे ऑफ लाइट के बारे में हम बता चुके थे, प्रकाश पुंज के बारे में हमने बताया था, यानी बीम ऑफ लाइट। अब जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है आज, ठीक, वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक, यानी क्या बताया जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। एक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण, या प्रकाश के लक्षण। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, यानी प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो लाइट होती है यानी प्रकाश होता है, ठीक, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी के फॉर्म में। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप। ठीक, यानी लाइट किस फॉर्म रूप में ट्रेवल करती है, लाइट जो ट्रेवल करती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। और जो लाइट की स्पीड होती है, एक वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इससे पहले टॉपिक में हम बता चुके थे स्पीड के बारे में, यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के रूप में लाइट ट्रैवल करती है। किस स्पीड से, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। ठीक, अब देखें जो लाइट ट्रैवल करती हो स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, यानी लाइट ऐसे जिगजैग फॉर्म में चलती है, सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, यानी स्ट्रेट लाइन में। ठीक, लाइट क्या ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। और देखें, यानी सब प्रॉपर्टीज है लाइट के, यानी लाइट के गुण के बारे में हम आपको बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में। देखें जो मतलब लाइट की विद्युत चुंबक, हाँ, लाइट का जो लाइट की वेवलेंथ होती है, यानी जिस लाइट को हम क्या पड़ते हैं, जो यानी जो लाइट अर्थ पे पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है, मुझे दिखाई देती है, ठीक, उस लाइट की जो वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ होती है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, यानी ये विजुअल लाइट है। ठीक, जो विजुअल लाइट होती है उसकी जो वेव्स होती है वो कितनी होती है, यानी वेवलेंथ होती है, जो लाइट विजुअल लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है वो, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है लाइट की। ठीक, अब देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइट की, क्या होता है लाइट, जो लाइट होता है उस लाइट का व्यतिकरण होता है। ठीक है, यानी लाइट का क्या होता है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। ठीक है, लाइट का इंटरफेरेंस होता है। ठीक, लाइट का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, लाइट का क्या होता है, विवर्तन होता है, यानी डिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी लाइट का क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है लाइट, यानी विवर्तन होता है। ठीक है, लाइट का पोलराइजेशन होता है, यानी ध्रुवण होता है। ठीक है, लाइट का, और लाइट जो होती है, जब लाइट एक मीडियम से, देखिए लाइट जब सेम मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रही है, किस स्पीड से जा रही है, यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है लाइट,
अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो लाइट देखिए, लाइट जब सेम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, यानी देखिए लाइट जब एक मीडियम से, मान लीजिए ये लाइट ठीक है, एक सर्कल है ठीक, इसके नीचे क्या है, वाटर भरा हुआ है या कांच का सरफेस है इसको ठीक। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ठीक, लाइट का क्या होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो लाइट ये आ रही है लाइट ठीक, तो जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यानी लाइट का अपवर्तन होता है ठीक। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है ठीक। और लाइट जब किसी सॉलिड सरफेस से ठीक है कोलाइड होती है, लड़ती है किसी सॉलिड सरफेस से या लिक्विड सरफेस से ठीक, जब लाइट कोलाइड होकर वापस जाती है, रिटर्न जाती है, मतलब लाइट जब सॉलिड सरफेस से कोलाइड होगा, जैसे मान लीजिए सॉलिड सरफेस है, इससे लाइट आई और ये लाइट चली, यानी सॉलिड सरफेस में पड़ी, तो लाइट का क्या होता है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ठीक। यानी लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी लाइट का, जब किसी सॉलिड सरफेस से टकराएगी ठीक, या और या फिर लिक्विड ही सरफेस हो तो लिक्विड सरफेस से जब टकराएगी उसकी सरफेस से लिक्विड के ठीक, तो लाइट का क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है तब भी ठीक। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे एयर से वाटर में जा रही है, तो लाइट का क्या होगा, यानी उस सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा लाइट का ठीक। ये सारी चीज़ें क्या थी, लाइट की प्रॉपर्टीज थी। देखें अगली टॉपिक है जो आपकी ठीक है, यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ठीक, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक, यानी प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक। ये आपके टॉपिक देखिए, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन कब होगा, मान लीजिए एक हम क्या ले रहे हैं, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन क्या कब होगा, यानी लाइट का परावर्तन कब होगा, देख लीजिए हम बताए जैसे पहले कि एक हम क्या ले रहे हैं, हमने क्या लिया, स्मूथ सरफेस लिया ठीक, ये सॉलिड सरफेस है मान लिया ठीक है, या मान लीजिए कांच का कोई सरफेस है और उसके नेक्स्ट पोर्शन पर क्या है, कांच का एक सरफेस था और उसके क्या कर दिया गया, जो कांच था उसके एक सरफेस से हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है ठीक है, सिल्वर की पॉलिश कर दी ठीक, यानी एक ऐसा सरफेस था स्मूथ सरफेस ठीक है, पॉलिश दार स्मूथ सरफेस था। अब देखें इस सरफेस पे हम क्या ड्रॉ करें, एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ठीक, नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के साथ क्या है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ठीक। जब सरफेस से हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ठीक, जो क्या होगा उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं ठीक, नॉर्मल नाम दे दिया ठीक। अब देखें, यानी कोई लाइट थी जो आके स्मूथ सरफेस पे कोलाइड हुई ठीक, इस लाइट को हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं, इंसिडेंट रे ठीक, क्या थी ये लाइट, इंसिडेंट रे थी
अब देखेंगे इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी यानी वापिस चली जाएगी। ठीक, तो जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टर रे कहेंगे। ठीक, यानी ये लाइट क्या हो रही थी, इंसिडेंट हुई पड़ी इस पे, और फिर क्या हुई, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी। देखो जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है या किसी पॉलिशदार सरफेस पे या सॉलिड सरफेस पे पड़ती है तो लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखें मान लिया गया कि जो लाइट आ रही थी वो क्या था, यानी जो लाइट आ रही थी वो कितना एंगल बना रही थी, एंगल आई बना रही थी। ठीक, यानी इंसिडेंट का आई ले। ठीक, यानी जो लाइट आ रही थी वो क्या था, नॉर्मल के साथ क्या था, एंगल आई बना रही थी, और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही थी इसका आर ले लो, यानी वो नॉर्मल के साथ क्या बना रही थी, एंगल आर बना रही थी। देखिए यानी जो लाइट इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होगी उस एंगल को हम नॉर्मल के साथ लेंगे ना कि सरफेस के साथ लेंगे। ठीक, लाइट जो आएगी उसको हम हमेशा एंगल जो है नॉर्मल के साथ लेंगे, और मतलब नॉर्मल के साथ लेंगे कि जिस एंगल से लाइट आ रही थी उसी एंगल से क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, मतलब इंसिडेंट का आई ले लिया, रिफ्लेक्टेड रे का आर ले लिया। अब देखें समझ में आ गया, यानी प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से मतलब जब लाइट किसी सॉलिड या किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में लाइट ट्रैवल कर जाती है यानी रिटर्न हो जाती है, बैक हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, अब देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज हैं, क्या नियम है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फर्स्ट नियम है यानी प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसके दो लॉज हैं, ठीक है, दो प्रिंसिपल हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। फर्स्ट ये है कि लाइट देखिए क्या है, फर्स्ट ये कि इंसिडेंट रे नॉर्मल था रिफ्लेक्टर रे, जो ये होते हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं यानी एक ही सरफेस पे होते हैं। ठीक, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक, यानी एक ही सतह पर होंगे एक ही सरफेस पे होंगे। देखिए पहले द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड ठीक द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टर रे ठीक एंड नॉर्मल, ठीक है, या द नॉर्मल इंसी। देखिए क्या बताया गया, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टर रे द नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंस ठीक लाई
ऑन द गेम प्ले, ठीक। यानी द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल, ठीक है, एंड इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक। या ऐसे कह सकते हो कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, एंड नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल, ठीक है, लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे सेम प्लेन पे देखें कैसे होता है, क्या हुआ कि मान लो ये इंसिडेंट रे मतलब ले रही थी लाइट थी, और ये रिफ्लेक्टेड था, और ये क्या था, नॉर्मल। ये तीनों सेम ही प्लेन पर होंगी, एक ही सतह पर होंगे। ये नहीं कि ये इंसिडेंट रे ये थी, ठीक है, इससे लड़ी, कोलाइड हुई और लाइट ऐसे निकल जा रही है, ठीक, ऐसे निकल जाए या ऐसे निकल जाए, ठीक है, ऐसे निकल जाए। आई मीन हमने टॉर्च को यहाँ से मारा, ठीक, यहाँ मान लो क्या स्मूथ सरफेस आगे खटाक से लड़ी लाइट यहाँ पे, उसके बाद में क्या होगा, वो लाइट ऐसे बोर्ड से चिपकी हुई आ रही थी, बिल्कुल सटी हुई, और वो सटी हुई निकल जाएगी लाइट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, एक ही सतह पर होंगे तीनों, ठीक। और नेक्स्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, क्या है सेकंड पॉइंट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक। यानी लाइट नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगी। मान लो कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी, ये कितना मान लो 70 डिग्री का एंगल बना रही थी नॉर्मल के साथ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाएगा, तभी क्या होगा, यानी रिफ्लेक्शन के जो प्रिंसिपल हैं, जो लॉज हैं, तभी वो फॉलो होगा, ठीक। और उसको तभी हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब तभी लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और क्या कहेंगे उसे प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक। समझ में आया, ये स्मूथ सरफेस के लिए था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे रफ सरफेस से, यानी खुरदरे सतह से, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता देंगे, और क्या बताएंगे आपको, अदर जो है मतलब स्फेरिकल मिरर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके यूजेस के बारे में बताएंगे, ठीक, और फॉर्मूला ट्राई किया जाएगा। थैंक यू।